आज महाकाल महाराज की शरण में आया हूँ। उनकी अंतरात्मा से पूजा की है और यही प्रार्थना की है कि अल्प वर्षा के कारण लगभग अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो और देश में भी बारिश हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो, इसी भाव से आज महाकाल महाराज की पूजा की है। वह हम सब पर कृपा की वर्षा करें, अच्छी बरसात हो जाए। और मैं जनता जनार्दन से भी अपील करता हूँ कि अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो भी परंपरा हो गांव की, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना में असर होता है, सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है, भगवान कृपा की वर्षा करते हैं। आप सब भी मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अपने अपने गांव में भगवान की पूजा करके और वर्षा की, अच्छी वर्षा की कामना करें। मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, किसान भाइयों आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कल ही मैंने अल्प वर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए बैठक की है और उसमें यही निर्देश दिए हैं। एक, जहाँ जहाँ से बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती है उन बांधों से पानी छोड़ा जाए, छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर दूसरे, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है, क्योंकि सावन भादों में इतनी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ट्यूबवेल नहीं चलते थे, मोटर नहीं चलती थी, अपने आप पानी रहता था और बांधों में पानी रहता था तो पानी की बिजली भी प्रचुर मात्रा में बनती थी। इस समय 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 15 हज़ार मेगावाट बिजली की मांग है। इसलिए मांग और आपूर्ति में गैप पैदा हो गया और इसलिए कुछ जगह किसानों को भी बिजली कम मिल पा रही है। कल मैंने निर्देश दिए कि जहाँ भी जो प्रयत्न हो सके, हमारी पूरी टीम लगी है, कुछ अफसर दिल्ली भी गए हैं, जहाँ जहाँ बिजली मिल सकती है वहाँ से बिजली लेके हम बिजली की कमी ना आने दें, ताकि किसान पंप से, कुएं से अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। यह असुविधा थोड़ी हो सकती है, लेकिन मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि हम जहाँ से भी बिजली मिल जाए वहाँ से ला के बिजली की आपूर्ति कम से कम 10 घंटे कर पाएँ। अभी 3 दिन गैप पैदा हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमने हर जगह प्रयास किया, पूरे देश में भी सूखे का संकट है तो वैसी बिजली मिल नहीं पाई, लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली हम फसल बचाने के लिए दे पाएँ। मैं प्रदेशवासियों से अपील भी करता हूँ कि अनावश्यक बिजली का उपयोग कोई ना करे, अनावश्यक एसी ना चलाए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि इस संकट के समय हम थोड़ा सा सहयोग कर पाएँ। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, महाकाल महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से और आप सबके सहयोग से इस संकट के पार हम निकलेंगे। और मैं ये भी संकल्प ले रहा हूँ कि मैं दिन और रात एक कर दूँगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। किसान भाइयों, आपके साथ खड़ा हूँ, हम फसलें भी देखेंगे। संकट आया है, लेकिन इस संकट से हम ज़रूर निकलेंगे। पूरी सरकार आपके साथ मिलकर, मैं आपसे भी सहयोग की अपील करता हूँ, इस समय संकट के समय हम सब मिलकर काम करें, भगवान इस संकट से निकालेंगे और कर्म करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।